लाखों पैगंबर जहां में मगर इतना अल्लाह को कोई प्यारा नहीं। अरसे आजम पे एक मुस्तफा के सिवा फिर खुदा ने किसी को पुकारा नहीं। खुदा ने किसी को पुकारा नहीं। जो मोहम्मद के उल्फत लगाया नहीं, दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं। खुद खुदावंद आलम ने फरमा दिया, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। जफा करने वाले जफा कब करेगा? वफा करने वाले वफा कब करेगा? बता तो सही, फैसला कब करेगा? तू सजदे में जाकर दुआ कब करेगा? अरे कज़ा करने वाले अदा कब करेगा? अदा करने वाले अदा कब करेगा? इबादत खुदा की पता कब करेगा? जो वादा किया है वफा कब करेगा? तू सजदे में जाकर दुआ कब करेगा? अरे मरज पर रहा है दवा कब करेगा? मरज पर रहा है दवा कब करेगा? तो मालिक ने बनाए सारे अल्लाह, मालिक ने बनाए सारे ये दोनों जहां के नजारे। नबी के वास्ते, नबी के वास्ते, नबी के वास्ते, नबी के वास्ते। ये दोनों जहां के नजारे किसके लिए? फकत रसूलुल्लाह के सदके में। अगर नबी ना आते तो ना ये जमीन, ना आसमान, ना सूरज, ना किरने, ना सितारे, कुछ भी नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला ने सारी चीजों को नबी के वास्ते इनायत फरमाया है। और क्या क्या तवज्जो चाहूंगा। तू है करीम तुझको देता है सदाए, तू है करीम तुझको देता है सदाए, तू है करीम तुझको देता है सदाए, तू है करीम तुझको देता है सदाए। सदके में मुस्तफा के सुजदे ये मिल जाए, सुजदे ये मिल जाए, सुजदे ये दुआएं बरसी रहमत
वाली और कयामत में राहत नहीं मिलने वाली। अगर दिल में इसके मोहम्मद नहीं तो चल हाथ, नमाजों से इज्जत नहीं मिलने वाली। क्योंकि नमाज पढ़ता है वो कायल नहीं वसीलों का, तू अपना काम खिलाफे रसूल करता है। और जिसे ख्याल नबी रहती है नमाजों में, खुदा उन्हीं की नमाजें कबूल करता है। Thank you.